अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद तो है कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैर खैर अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम 18 पैनल की सेटिंग करने लगे हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं 18 पैनल की सेटिंग। सबसे पहले आप लोगों ने पीवी में जाना है, आप डाटा इंटर करना है। पीवी 1 होगा तो आप लोगों ने इसको पीवी 4 करना है ऊपर वाले एरो से। तो आप पीवी 4 को हमने डाटा इंटर करना है। यहाँ पर 80 पे सेट है, हमने इसको 110 पे रखना है, ठीक है। ये 110 आ गया, डाटा एंटर हमने यहाँ पर करना है। डाटा एंटर करने का पीवी 5 को जो है हमने 50 पे रखना है, ठीक है। डाटा एंटर करेंगे तो हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे और P2 की सेटिंग करेंगे, ठीक है। P2 ये हमारी मोटर की जो है HP है, ये हमारी मोटर फिल 10 HP की लगी हुई है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 50 पे सेट है। ये हमारे RPM है 1460। इनको आप कम या ज़्यादा थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें 1460 पे इसको सिलेक्ट करके रख दें। यह अहम चीज़ हमारी मोटर के वोल्टेज हैं, इनको 380 पे ही रहने देना है आप लोगों ने। ये हमारी मोटर के अम्पेयर हैं, जब हमारा इन्वर्टर ट्रिप कितने हो अम्पेयर से ऊपर मोटर खाए तो हमारा इन्वर्टर ट्रिप कर जाए, तो हमने इसको रखा हुआ है 15 अम्पेयर पे, इससे ऊपर नहीं जाएगा। आगे की जितनी भी सेटिंग है आप लोगों ने उसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देना है, ठीक है। तो अब बारी आ जाती है PE की। PE का यहाँ पर कोड होता है, ये 40721 है। आपने जिस जगह से इन्वर्टर परचेज़ किया है वहीं से पता कर लें कि भाई 40721 है तो ठीक, नहीं तो वहीं से ले लें। यहाँ पर ये हमारी HP सेट है, जो हमारी मोटर 11 HP की है। ये हमारी मोटर के वोल्टेज हैं, ये हमारे 25 अम्पेयर हैं, इनको 25 पे यहीं पर रहने देना है। ये हमारे 950 वोल्टेज सेट है, हमने इसको कोशिश करना है 1000 पे ही रखना है। इसको जो हमने 1000 वोल्ट पे डाटा एंटर करना है, ये 1000 वोल्ट, इसको भी डिफ़ॉल्ट रहने देना है, इसको भी। इसको आप लोगों ने P11 को जो है 11 को आप लोगों ने 100 पे ही रखना है, लाजमी डाटा एंटर करना है। P11 को भी ऐसे ही रखना है। अब ये तो हो गया मुकम्मल इसकी सेटिंग। एक सेटिंग है वो मैं आपको बताता हूँ अभी, एक सेटिंग हमने नहीं की थी तो अभी मैं वो आप लोगों को करके दिखाता हूँ। एक चीज़ और बता दूं, अगर आप 18 पैनल लगा रहे हो तो 18 पैनल ना लगाओ, अब 20 पैनल लगाओ, 10-10 की दो सीरीज बना के लगाओ, इससे आपको 18 पैनल से ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। आप चाहे वो सोलर आटा चक्की चला रहे हो, कुछ भी, 18 पैनल पे क्या होता है कि वोल्टेज तो हमारे बढ़ जाते हैं लेकिन अम्पेयर तो हमारे वही रह जाते हैं। इसीलिए 10-10 पैनल के दो सीरीज़ बना लो, उन दोनों को इन्वर्टर में ले आओ, फिर हमारा जो है सही चलेगा। अब हम लास्ट वाली जो सेटिंग है वो कर लेते हैं। ये बेसिकली PV6 की है। PV6 को आप लोगों ने लाजमी से ज़ीरो करना होता है, नहीं तो हमारा इन्वर्टर ऑफ नहीं होगा, ठीक है। इसको डाटा एंटर करना है। P7 को 150 पे रखना है। तो ये अब हमारी सेटिंग कम्प्लीट होगी। अब हम इसको चलाएँगे लेकिन ये अब चलेगा नहीं, पता है वो क्यों? क्योंकि इससे हमने मोटर नहीं कनेक्ट की हुई। अगर हम मोटर कनेक्ट करेंगे तब जाके ये चलेगा। तो उम्मीद तो है कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को भी लाइक कर दें।